हाय एवरीवन, माय नेम इज प्रेम चौहान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू पीसी व्लॉग्स। आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वाले वीडियो के अंदर हम सारी चीजें कवर करेंगे जीवन ड्राइविंग टेस्ट के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जीवन टेस्ट होता क्या है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे जब आप ये टेस्ट देने जाओगे, कितनी इसकी फीस रहती है, इसका एग्जाम का जो फॉर्मेट है वो क्या रहता है, और साथ ही में इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कहाँ से और कौन से मटेरियल से करनी है। सो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं अपना जीवन टेस्ट देने की, सो ये वाला वीडियो जो है वो आपको डेफिनेटली काम में आएगा। सो स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे यार तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सबसे पहले चालू करते हैं यार कि जीवन ड्राइविंग टेस्ट है क्या। इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कनाडा में ड्राइविंग लाइसेंस के तीन टाइप होते हैं बेसिकली, गाड़ी या छोटी वैन के। उसका नाम है सबसे पहला जीवन, दूसरा G2 और तीसरा G। सो जीवन जो लाइसेंस है वो सिमिलर है लर्निंग लाइसेंस की तरह, कि जब आप एक बार ये नॉलेज टेस्ट जो होती है, एक सिर्फ MCQ की टेस्ट है वो आगे बताऊंगा, वो एक बार पास कर देते हो तो आपको ये लोग लर्निंग लाइसेंस दे देते हैं। बट आप उस लर्निंग लाइसेंस पे गाड़ी खुद के दम पे नहीं चला सकते अकेले में, उसमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास एक सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए कार ड्राइविंग स्कूल का, अदरवाइज आपके पास 4 से 5 साल का जिसको ड्राइविंग हिस्ट्री का एक्सपीरियंस है अच्छा, वैसा कोई बंदा बैठा होना चाहिए गाड़ी के अंदर, और उसके बाद आप दे सकते हो G2 और G। उसके ऊपर हम लोग बाद में वीडियो बनाएंगे। अब बात करते हैं कि जब आप कनाडा में लैंड हो चुके होंगे और आपको ये वाला ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के ऊपर। तो सबसे पहले तो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप जिस किसी भी सिटी में रह रहे होंगे आप वहाँ पे अपनी सिटी का नाम डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नजदीक में आपका कहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट सेंटर आया हुआ है। मेक श्योर कि आप जल्दी जा रहे हो, पॉसिबल हो तो सुबह सबसे पहले 7-8 जितने बजे भी खुलता हो उससे आधे घंटे पहले जाके खड़े हो जाओ, ताकि आपको लाइन में 2-3-4 घंटे वेट ना करना पड़े। यहाँ पे भी मैं एक पर्सन से पूछ रहा था, उसने बताया 2 घंटे से वो लाइन में खड़ा है, तब जाके उसका नंबर आया था। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपको सबसे पहला आपका चाहिए होगा पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट अपने साथ आपको रखना है। सेकेंड थिंग जो चाहिए होगा वो होगा आपका ड्राइविंग लाइसेंस, जो आपका इंडिया का है तो, नहीं है तो भी चलेगा अगर आप स्टार्टिंग से ही सीख रहे तो। और थर्ड थिंग, अगर आपका इंडिया में अगर एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का 2 साल से ऊपर का, तो आप अपना DL एक्सट्रैक्ट लेके ला सकते हो, वो आपको YouTube के ऊपर वीडियो मिल जाएगा कैसे निकालना है क्या सारी चीज़ है। तो DL एक्सट्रैक्ट अगर लेके आओगे तो उसका फ़ायदा मैं आगे आपको बताऊँगा कि क्या होगा। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और मेक श्योर कि आपका जो DL एक्सट्रैक्ट है उसको आप लेमिनेशन मत कराओ, क्योंकि यहाँ पे लेमिनेशन करा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट ये लोग वैलिड नहीं गिनते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फीस कितनी है। तो अगर आप जीवन टेस्ट देने के लिए जा रहे हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप जीवन और G2 टेस्ट के पैसे साथ में इकट्ठा पे कर सकते हो, जिसकी फीस होगी अराउंड $160। और अगर आप G2 के पैसे नहीं दे रहे हो या आपका G2 स्किप हो रहा है आपके DL एक्सट्रैक्ट की वजह से, क्योंकि अगर आपका इंडिया का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये जो सेकेंड लेवल की टेस्ट होती है G2 ड्राइविंग टेस्ट, जो गाड़ी में आपको देनी होती है, नॉलेज टेस्ट नहीं, MCQ वाली नहीं है, गाड़ी चलानी पड़ती है, तो वो आपकी स्किप हो जाएगी अगर आपके पास 2 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो। सो उस वाले केस में आप डायरेक्ट G ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो, जो 3rd लेवल पे होता है वो। और ये वाले केस में जब आपके पास DL एक्सट्रैक है और आपका रिकॉर्ड जो है वो 2 साल से ऊपर का है, तो आपको पे करने रहेंगे अराउंड $106 समथिंग। सब बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होती है जब आप एक बार ड्राइविंग टेस्ट सेंटर पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको रिसेप्शनिस्ट या जो कोई भी वहां पे हेल्पर होगा वो आपको एक टोकन नंबर देगा। टोकन नंबर देने के बाद आपको वेट करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आपको बुलाएंगे, आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक चीज जो मेरे को याद है वो ये है कि आपका आई टेस्ट होगा वहां पे, वो आंख के अंदर कुछ ऐसे मशीन के अंदर देखना रहेगा, और आपको अल्फाबेटिकल थोड़ा आइडेंटिफाई करने रहता है, बट उतना हार्ड नहीं रहता है। और वहां पे आपको शायद एक फॉर्म में वो लोग आपको वर्बली क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास ग्लासेस है या नंबर है, तो आपको यस बता देना अगर है तो, नहीं है तो नो बता देना, और अपने ग्लासेस लेके जाना है साथ में। आई डोंट थिंक वो प्रिस्क्रिप्शन है ऐसा कोई चीज आपसे मांगते हैं या ये चीज उतनी मैटर करती है आपके जीवन टेस्ट के रिजल्ट के ऊपर। जो भी फ्रेंकली है वो बता दो, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। जब आप ये सारा फॉर्म वगैरह और वो सब कर दोगे उसके बाद आपका फीस पेमेंट होगा। जैसे आप फीस पेमेंट करोगे उसके बाद आपको थोड़ी देर वेट करेंगे और आपको एक अलग से रूम होगा जहाँ पे ऐसे कंप्यूटर 15-20-30 जितने भी होंगे वो वहाँ पे रखे होंगे, तो वहाँ पे आपको जाके उस कंप्यूटर के ऊपर आपका जीवन नॉलेज टेस्ट देना है। सो टेस्ट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है 20 and 20 MCQ। अलग अलग 20 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के जो 20 MCQ होते हैं उसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, कि जैसे ये साइन है तो उसका मीनिंग क्या होता है, और सारे MCQ है, कोई घबराने की बात नहीं है, कहीं पे भी लिखना नहीं है, आपको सिर्फ टिक मार्क करते जाना है। सो ये 20 होता है, और उसके बाद 20 जो होते हैं वो रूल्स होते हैं, कि आपको अगर ये आपने रूल ब्रेक करा तो आपको कितने डीमेरिट पॉइंट्स लगेंगे, या फिर ये चीज़ है तो इसके ऊपर कितना फाइन है। तो ये सारी चीज़ें थोड़े रूल्स में होती है। अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मेरे को साइन वाला जो है वो सबसे ईजी लगता है, कि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये जो रूल वाला है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि कितने डीमेरिट
हार्डेस्ट पॉइंट्स लगेंगे, कि कितना फाइन लगेगा, वो आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी आप वो स्टडी कर रहे हो एग्जाम के लिए तब। और पास होने के लिए जो क्राइटेरिया है इन लोगों ने सेट करा है वो ऐसा है कि 20 जो स्टार्टिंग के साइन वाले थे उसमें से आपको 16 मिनिमम ट्रू आंसर होने चाहिए, और ये जो रूल वाले थे 20 उसमें से भी आपको 16 मिनिमम सही आंसर होने चाहिए। अगर किसी में भी आपके 15 है तो आप टेस्ट फेल कर जाओगे, और जैसे ही आप टेस्ट फेल करते हो तब आप दोबारा रिपीट कर सकते हो टेस्ट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके लिए आपको वापस से हो सकता है लाइन में लगना पड़ेगा, और उसकी फीस जो होती है दोबारा अटेम्प्ट करने की वो $16 अलग से पे करने पड़ेंगे। तो कोशिश करो अच्छे से पढ़ के जाओ, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे के, और एक ही बारी में उसको सॉल्व कर दो। और एक चीज़ ये है कि इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर बैठे हो तब आप चाहो उतने टाइम वहाँ पर बैठ सकते हो। तो अगर आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये MCQ चला जाएगा या फिर मेरे को जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, आप टेक योर टाइम, आराम से देनी है, कोई भी आपको टाइम ड्यूरेशन नहीं होती है, तो अपना टाइम लेके सोच समझ के सारे आंसर दो। और टेस्ट में जो कोई भी आपको क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे MCQ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF डाल दूंगा, वो PDF को अगर आप पढ़ के जाओगे तो आई एम डैम श्योर कि सारे MCQ हो गए जो उसी के अंदर से ही कहीं से लिए हुए होंगे, क्योंकि मैं जब आया था तब भी ये PDF पढ़ के गया था और मेरे 40 out of 40 सही आंसर थे, और आज के लोग भी यही PDF पढ़ पढ़ के पास कर रहे हैं, उतना हार्ड नहीं होता है। और अगर आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो आप एस्ट्रोर पे जाके, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती है जीवन ड्राइविंग टेस्ट, जहाँ पे आपको सैंपल टेस्ट आप दे सकते हो, तो 2-3-4 वो भी देखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सो यही था आज के वीडियो के अंदर पूरी चीज़ें जीवन टेस्ट के बारे में। और अगर आप चाहते हो कि मैं G2 टेस्ट के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होती है और किस टाइप का फॉर्मेट होता है और कैसे एग्जाम देनी है, तो कमेंट डाउन जरूर करना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके मेरी गाड़ी के अंदर ड्राइव करते हुए। दैट्स एवरीथिंग फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी यार तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मेरे को भी और अच्छा लगे और वीडियोस अपलोड करने में। एंड फिर कभी मिलता है ऐसे किसी ब्लॉग के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो लगभग आधे घंटे पहले इन लोगों ने गेट क्लोज कर दिया, अब और लोग नहीं रह रहे, तो बाद में आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कई बार 1-2 घंटे पहले ये लोग एंट्री बंद कर देते हैं कि अंदर जितने ऑलरेडी बैठ चुके लोग उन्हीं का काम होगा, अब आगे नए नहीं लेंगे।